हरिद्वार में वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य कैंप। आइडियल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से एक निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का आयोजन करवाया गया, जिसमें डॉक्टर ओपी नोटियाल, डॉक्टर सरवन कुमार, डॉक्टर विजेंद्र कुशवाहा के द्वारा अपना चेकअप करवा कर लगभग 150-160 व्यक्तियों ने स्वास्थ्य कैंप का लाभ अर्जित किया। आइडियल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री हरिश्याम यादव जी ने बताया कि उनकी संस्था समय समय पर समाज के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे कैंप का आयोजन ऐसे ही करती रही है और आगे भी करते रहेंगे। कैंप में उपस्थित चंद्रशेखर यादव जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष लोहिया वहानी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, स्वतंत्र सैनी जी प्रदेश अध्यक्ष रामदल उत्तराखंड, शशिकला, पुष्कर सिंह, प्रदीप, विक्रम, विक्रांत, एमपीडब्ल्यू, डॉक्टर विकास ठाकुर, डॉक्टर राजीव वर्मा, रूपलाल यादव, गौरव मिश्रा, रविशंकर, आशीष यादव, मुना यादव, वरुण शुक्ला, संजीव यादव, नवल किशोर, कृष्ण कुमार यादव आदि उपस्थित रहे। रूपलाल यादव, सर ये पूरी व्यवस्था ये है कि हम लोग समाज कल्याण के लिए जो गरीब है, निर्दल है, उन लोग के लिए हम लोग कैंप के लिए जो है डॉक्टर साहब के पास जाके इनसे हमने आग्रह किया है कि हम लोग के जो है ये एरिया में बहुत मजदूर लोग है जो पहुँच नहीं पाते क्लिनिक तक, उसको हमें यहाँ पर निःशुल्क कैंप लगाया जाए ताकि जनता को सेवा मिले। इसी कारण से हम लोग जो है सारे भाइयों के सहयोग से कैंप लगवाए गए हैं और उन्हीं लोग की व्यवस्था के लिए, और काफ़ी भीड़ में पेशेंट भी आ रहे हैं, सब दिखा भी रहे हैं लोग। उम्मीद है कि अच्छा से अच्छा यहाँ पर जो है इलाज मिले। हरी यादव, यहाँ हमने एक ट्रस्ट बनाया है आइडियल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट, जो समाज में समाज सेवा के लिए काम करता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसा ही लोग हैं, उनके लिए किसी भी प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में या और सोशल क्षेत्र में हम काम करते रहते हैं समय समय पर। जैसे अभी हमने एक आयुर्वेदिक और एलोपैथिक करके एक कैंप लगाया है हेमोपैथिक, जिसमें जो गरीब लोग हैं जो नहीं दवाई वगैरह नहीं अरेंज कर सकते उनके लिए दवाई वगैरह की व्यवस्था को और हेल्थ चेकअप के लिए पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। और ये हमारे कैंप ट्रस्ट की तरफ से हर महीने हर 15 दिन में कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाती है, कभी दवाई की, कभी शिक्षा की, कभी स्वास्थ्य की, और कभी और चीज़ की जो भी जनरल रिक्वायरमेंट होती है। हम अपनी पूरी टीम है जो इसको वर्किंग करती रहती है, उसी के देखते हैं कि जो जहाँ जो जरूरत है वो सब व्यवस्था करते रहते हैं हम लोग। ठीक है सर, ठीक। इसमें आयुर्वेदिक विभाग भी है और होम्योपैथिक विभाग भी है। यहाँ पे निःशुल्क लोगों को मेडिसिन दी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा से एलोपैथी और जो है ये होम्योपैथिक चिकित्सा से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, और लोग लाभ उठा भी रहे हैं। और इसका यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन के टेस्ट हो रहे हैं जिससे देखा जाता है कि एनीमिया है या नहीं है, स्वस्थ हैं, और ब्लड शुगर के टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम भी है, लेकिन जब देखा जाता है तो उनको पता चलता है कि 200, 250, 300 इस तरह के शुगर आ जाते हैं। एक तरह से उनको बताया भी जाता है कि भाई आप जो है इसके हिसाब से अपनी दिनचर्या और सारा कुछ जो है सेट कीजिए, अगर जो सकता है तो मेडिसिन भी लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बीपी रहता है लेकिन बीपी उनको वैसे नहीं पता चलता है नॉर्मल जीवन में, तो यहाँ पे हर पेशेंट का इसमें बीपी भी चेक किया जाता है कि अगर बाई चांस बढ़ा हो तो उनको बताया भी जा सके कि आप इससे बिता सकते हैं। जी अभी तक करीब 50 देखे गए हैं, ये पूरे दिन भर चलेगा, ये जो है 5 बजे तक चलेगा, और हम लोगों ने इसका प्रचार भी किया है कि आसपास के लोग आए और इसका लाभ उठाएं।